अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज देखिए मैं इसको फाइनली जो है कि उसको पूरा करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये कागज़ के न्यूज़पेपर की और वाइट पेपर की जो है कि इसके फ्लोवर बनाए हैं, तो जो मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इनको थोड़ा कलर देना चाहती थी, चाह रही हूँ कि ये थोड़ा अच्छे लगें, क्योंकि ये वाइट पेपर के मैं वैसे ये फ्लोवर जो है कि कलर पेपर के बनने चाहिए थे, जो पेपर आते हैं ना अलग अलग कलर के उनके, तो वो तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने सोचा जो मेरे पास पेपर हैं मैं उसी से बनाकर उनको जो है कि पेंट दूँगी, कलर कर दूँगी, तो वो अच्छे लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब जब कटिंग हो के और मैंने इसको फ्लोवर को इन पर इस तरह जो लगा दिए हैं, और अब मैं इसको जो है कि अलग अलग कलर से जो इनको पेंट करूँगी, देखिए। और तो आगे देखिए मैं इनको जो किस तरह जो है कि इनको अलग अलग तरीके से कलर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्लावर्स को कलर्स कर दिया है, तो कैसा लगा। और मैं अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने लेस ली है मोतियों वाली, तो इसमें से मैं जो है कि मोती निकाल लिए हैं। तो और ये कुछ सितारे हैं जो सूट में लगे रहते हैं वो वाले हैं, तो ये कुछ सितारे हैं जो मेरे पास हैं और ये मोती हैं, तो मैं इनको जो है कि ये फ्लावर हैं, फ्लावर के बीच में लगाऊँगी इस तरह से। और अब मैं इसे
की मूर्तियों को इसी तरह जो है पूरे में जो इससे डेकोरेट करना चाहूँगी। और आगे आगे देखिए मैं इसको जो है कि किस तरह अलग लुक देती हूँ। और अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर फाइन ज़रूर मेरे ब्लॉग को लाइक करें फ्रेंड्स। मुझे तो ये चीज़ें बनाना अक्सर वैसे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मगर जो है कि घर के काम से जो है कि बहुत जो है कि कम टाइम मिल पाता है इन चीज़ों को करने के लिए। वरना मैं पहले ऐसी चीज़ें जो है कि बनाती रहती थी जब भी स्कूल टाइम में मैं बहुत बनाती थी। मुझे काफ़ी शौक़ था ऐसी चीज़ें बनाने का और मैं अभी भी बनाती हूँ, अभी भी शौक़ कहा जाता है। मगर अब ये सब करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है और जो मुझे बहुत पसंद है तो मैंने जो बनाया है आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप सभी को अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करते रहें और मेरी वीडियोस पर ज़रूर कमेंट्स करें। बताना ज़रूर कि आपको मेरा ये जो मैंने पेपर आर्ट्स जो बनाया है आप सभी को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स अब जी मैंने मोती लगा दिए हैं फ्लोवर के बीच में, आप सभी को दिख रहा होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा इस साइड के रोड हैं इनको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये सितारे लिए हैं छोटे छोटे वाइट कलर के, तो मैं इससे जो है कि डेकोरेट करूँगी। तो मैं इसके साइड वाली ब्लैक वाली रोड है इस पर जो है कि ये सितारे हैं छोटे छोटे इनको जो है कि मैं लगाऊँगी। देखो इस तरह मैं इस लाइन से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं इसको जो है कि डेकोरेट करेंगे। और आप अपने अपने माइंड से अपने अपने तरीके से कुछ अलग इसको लुक देना चाहते हो तो कुछ अलग लुक दे सकते हो, जैसे फ्लोवर आप कुछ और लगा सकते हो अपनी मर्जी से। आप भी कुछ अलग करना अपने मन से भी कुछ अलग करना चाहिए जो नहीं कि कॉपी टू कॉपी अपन करें। तो फ्रेंड्स अपने मन से बच्चे अपन कुछ करना चाहते हैं या अपन आपके बच्चे जो हैं कि वो कुछ बनाना चाहते हैं तो इस तरह जो है कि कुछ अलग अलग वीडियोस को देखें और ऐसी चीज़ें बनाएं काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग होता है और बाकी काफ़ी कुछ जो है कि सीखने के लिए मिलता है। और जो है कि अपने घर की डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि इस तरह बन जाती हैं तो अपना घर का जो है कि डेकोरेशन भी हो जाता है और साथ ही साथ बहुत नॉलेज भी मिलती है। तो ये एक आर्ट है, अपन को इसको जो है कि नहीं जाना चाहिए, अपन को इसको यूज करना चाहिए और उस जैसे काम करते रहना चाहिए छोटे मोटे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैंने ये आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ पेश क्या है। तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें मेरे वीडियोज़ को। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह मैंने जो है कि सारे जो स्टार हैं छोटे छोटे सितारे टाइप के हैं तो उनको मैंने इस तरह जो है कि साइड वाली रोड पे लगा दिया है। तो आगे देखिए आगे क्या क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पास जो है कि गोल्ड कलर का पेपर था उससे मैंने जो है कि ये फ्लावर बनाए हैं कट करके। तो इनको जो है कि मैं इस तरह जो है इस साइड लगा रही हूँ और इसके ऊपर जो है कि सितारे लगा दूँगी जिससे अच्छा लगे। अभी जो है कि मैं इसको पहले ये फाइनली जो है कि सूख जाए अच्छे तरीके से जो लगाया है मैंने तो ये चिपक जाए अच्छे से, पर मैं इसको जो है कि आपको पूरा लगा के दिखाऊंगी टांग कर।
आपको अच्छा लगने वाला है। तो देखा फ्रेंड्स, फाइनली मेरा जो मैंने बनाना चाहा था और कोशिश कर रही थी कि आप सभी के साथ में इसको जो है कि कंप्लीट करके आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करूं, तो फाइनली मेरा बनकर पूरा तैयार है। तो आपको कैसा लगा? अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स ज़रूर 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 लाइक करें वीडियो को और मेरे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कैसा लगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स।